बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हम गए बच्चों के स्कूल से पहले शॉपिंग पे, बच्चों के लिए ब्रेड लेने, जैम लेने, केचप ली, बंद लिए थोड़े से। उसके साथ हमने बच्चों के लिए थोड़े से लेज़ वगैरह ली, बच्चों के लिए बिस्किट लिए थोड़े से। इस तरीके से ना बच्चों की शॉपिंग। तो जब हम शॉपिंग लेके तो करके तो जब हम गए बिल पे करने, तो वहाँ पे शॉपिंग बैग ही नहीं थे। तो ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। हम घर से कुछ भी नहीं लेके गए थे। वहाँ पे जो थे बैग थे वो काफ़ी महंगे दे रहे थे, किसी किसी काम के बैग नहीं थे और 100 रुपये का दे रहे थे। तो मैंने कहा चलो बाहर ही ऐसे ले जाते हैं, बाहर से जाके हो सकता है कि ना हमें शॉपिंग बैग जो है मिल जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि बाहर से जब हम बाहर निकले हैं तो वहाँ पे बच्चे जो है वो शॉपिंग बैग लेके फिर रहे थे, वो हमें मिल गए ना। तो छोटा काफ़ी मस्तियाँ कर रहा था। तो छोटे बेटे ने गई काफ़ी मेरे साथ मस्तियाँ और शॉपिंग करवाई। फिर हम घर आ गए तो काफ़ी लेट हो गए चुके थे। बच्चों के जो यूनिफॉर्म थे वो प्रेस नहीं हुए थे, तो मुझे 5 बजे ही उठना पड़ा बच्चों के लिए। उनके जो है शूज़ वगैरह पॉलिश किए, बच्चों की वर्दियाँ प्रेस की। तो फिर मैंने इनके लिए नाश्ता जो है वो रेडी किया। नाश्ता बच्चों ने ब्रेड और जैम के साथ किया। तो फिर इसके साथ ही ना बच्चों का मैंने लंच जो है वो रेडी करना शुरू कर दिया। दूध का गिलास और ये बच्चों ने ब्रेड किया ना। और लंच में मैंने इनके लिए ना सादा से जो है वो बर्गर रेडी करना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से ना हमारी सुबह हुई। साथ में बड़ों को भी नाश्ता दिया। तो जल्दी जल्दी से मैं काम कर रही थी और मुझे बड़ा ना हो रहा था कि पता नहीं मैं इनको ना टाइम पे रेडी कर भी पाऊँगी कि नहीं। काफ़ी देर के बाद जो बच्चों को स्कूल भेज रही थी तो ऐसे मुझे लग रहा था ना। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी जल्दी से मैंने इनका जो है वो लंच है वो रेडी कर लिया था। अभी टाइम था मेरे पास तो मैंने बच्चों को खुद तैयार भी किया। तो ये मैंने ना बर्गर जो है ऐसे बनाया कि उसमें मैंने अंडा लगा दिया और थोड़ी सी टिक्की लगा के। तो सलाद तो वैसे बच्चे खाते नहीं हैं, केचप लगा दी, मायनीज लगा दी और बच्चों को जो है बर्गर रेडी हो गए थे। तो इस तरीके से सादा से मैंने जो है इनके बर्गर रेडी किए। तो इनका जो है लंच जो पैक हो चुका था। फिर मैंने बच्चों को किया रेडी बच्चों को। तो इस तरीके से मैंने ना बच्चों को रेडी किया जल्दी जल्दी से। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि किस तरह मैंने बच्चों को ना रेडी किया। बच्चे भी काफ़ी ना घबरा रहे थे, खुश भी बहुत थे कि हम काफ़ी देर के बाद स्कूल जा रहे हैं। लेकिन जब स्कूल से वापस आए तो फिर इनका वो बुरा हाल था थकावट से। फिर पहले बच्चों को स्कूल गए, फिर वापस आके बच्चे अरबी पढ़ने के लिए गए 2 बजे। तो उसके बाद 1 घंटे बाद 3 बजे इनका ट्यूशन का टाइम हो गया एकेडमी का, वहाँ चले गए। वहाँ से बच्चे 6 बजे वापस आए। जब वापस आए तो बच्चों का इतना बुरा हाल था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। थक चुके थे बिल्कुल, बुरा हाल था ना। काफ़ी देर के बाद जो था मैंने कहा चलो आस्ता आस्ता आप लोग ना आदि हो जाओगे। तो अभी फर्स्ट डे था तो ये स्कूल आने से पहले की पिक्चर है और स्कूल से आने के बाद का मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हाल था बच्चों का स्कूल के आने के बाद का। सारा यूनिफॉर्म गंदा, बुरा हाल। मैंने थोड़ी सी पिक्चर इनकी ना फिर की, मैंने कहा इनके बाबा को ना सेंड करती हूँ तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो इतने बुरे हाल थे बच्चों को, थक के तो वहाँ पर बैठ गए ना, लेके मैं आई थी छोड़ के, इनके बाबा इनको आए थे।